बीएस में भी मारे, दुनिया का मारे, पट्टों से मारे, उससे इससे मारे, दुनिया का हम लोग को मार पीट करे। पलट के ये तंजा बोला पीएस में भी दुनिया का मारे, हमारे को पाइपों से मारे, दुनिया का मार के काब लिए, बाथरूम आ दो, भला करो कि दुनिया का करे हमारे तंगा। 8 दिन से हम लोग भुक्के बैठे काम कर रहे हैं, हम लोग इतनी तकलीफ में अंदर है, किन मारो जो हम बाहर आने का इतना सुख दिखा सत्ता नहीं लगे ऐसा कि खत्म बहुत तड़प रहे थे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोग उसो एक हिंदू एक मुस्लिम बच्चा था, मुस्लिम बच्ची थी उसमें उसो हम लोग रोक के उसको बच्ची को कहाँ लेके जा रहा बोले तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बच्ची भी क्या बोल रही मैं मोहब्बत करती हूँ उससे जी। तो हम लोग क्या करे उसको बोले पहले तो हम उसको मारे, उसको दादा मारा नहीं मारे कुछ भी नहीं मारे, भाई दो पचकड़ा मारे इन्हों एक दो पचकड़ मारे मैं मैं ऑटो पे कारोबार करके जा रहा था वापस तो इन लोग लड़ रहे थे रोक के, लड़ते वक्त मैं बीच में रुक के मारे, हम लोग दो जने मारे और 6-7 जने भी मारे, किसी के ऊपर इन लोगों एक्शन नहीं लिए मुगलपुरा पीएस वाले। फिर हम दोनों को ले लेके क्या करें डाल के पीएस में भी मारे, दुनिया का मारे, पट्टों से मारे, उससे इससे मारे, दुनिया का हम लोग को मार पीट करे। पलट के ये तंजा बोला पीएस में भी दुनिया का मारे, हमारे को पाइपों से मारे, दुनिया का मार के काब लिए, बाथरूम आ दो, भला करो कि दुनिया का करे हमारे तंगा। 8 दिन से हम लोग भुक्के बैठे काम कर रहे हैं, हम लोग इतनी तकलीफ में अंदर है, किन मारो जो हम बाहर आने का इतना सुख दिखा सत्ता नहीं लगे ऐसा कि खत्म बहुत तड़प रहे थे हम लोग, ना खाने को टाइम पे, ना कुछ टाइम पे, ना कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को, इतना परेशान है हम लोग, इतना मालूम अंदर बहुत चीज़ से परेशान है हम लोग, काली पीली हमारे को इतना परेशान कर दिया, काली पी कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है केस में, इतना बड़ा केस कर दिया तो सर्कल साहब। असर साहब का शुक्रिया बहुत दिल से अदा करते हैं हम, हमारे भाई एक ही है, मैडम का भी शुक्रिया, हमारे अम्मी को चक्कर आके दो दो बार गिर गए थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे भाई को बे उसमें लेके चले गए, हमारे भाई को, हमारे भाई की कुछ भी गलती नहीं थी वहाँ पे, फिर भी अगर घर पे भी आके पूछ सकते हैं, हमारा भाई वैसे कामों में है भी नहीं, कैसा चले गया कि अनजाने में चले गया उन्हें। असर साहब का शुक्रिया, हमारे अम्मी आगे भी उन्होंने हमारा साथ देना रहते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु, मैं मुगलपुरा कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना, कंटिन्यू जो सो मैं जो बच्चों को जो सो दोनों बच्चों को नाजायज़ तकलीफ़ देके जो फंसाए थे रवि कुमार साहब, वो बच्चों की आज अल्लाह ताला से जो है सो शुक्र अदा करती हूँ कि वो दोनों बच्चों की भी बेल हो गई, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग बेल कराए लोगों की, जैसे कि जो जो सेक्शन लगाए थे वो सेक्शन में नॉनेबल बेल बोल के डाल दिए थे, और मैं जो पहली बेल के लिए भी अप्लाई करी थी जब भी जो सो उन्होंने एक लेटर भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना हैदराबाद में फसाद हो जाता बोल के, और सेकेंड बेल में भी सेम केस वैसी करके भिजा दिए थे कि बच्चों को बेल नहीं देना, लेकिन मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और मैं मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इसके अंदर जो सो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देके ये चीज़ के लिए जो सो बच्चों की बेल कराए है, मेरे को भी बोले थे कि आप दिन रात वो बच्चों के पीछे मेहनत करिए, जितना जल्दी हुआ वो बच्चों को बाहर लाने की कोशिश करिए, बोले देखिए आप अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि दोनों बच्चे भी बाहर आ गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि रवि कुमार साहब नाजायज़ लोगों को अंदर भी तकलीफ़ दिए, नाजायज़ बोलियाँ बोले, हम वो चीज़ के लिए भी खामोश बैठ गए, ऐसा क्या गुनाह करे थे बच्चे जो एकदम पलट के जो है सो बच्चों के ऊपर इतने बड़े बड़े सेक्शन डाल दिए, उन्होंने बेल नहीं मिलना बोल के पूरी कोशिश करे थे, लेकिन अल्लाह ताला जो है सो मेरे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि पूरे पैसे उन्होंने लगा के आज वो बच्चों को बाहर निकाले, हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि बच्चे सही सलामत बाहर आ गए है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ है कि इन्होंने नाजायज़ जो बातें बच्चों को अंदर बोले, और वो बच्चा खुद ही जो है गैर कौम का बच्चा था, वो बच्चा जो सो अपने से एप्लीकेशन लिखना नहीं चाह रहा था, ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करके वो बच्चे से एप्लीकेशन लिखा के डाल के बच्चों को अंदर करे, उन्होंने गैर ज़रूरी के तमाशा बनाए, उन्होंने 1 हफ्ते से बच्चे जेल में है, आज उनकी माँ दुनिया का रो रहे, वो एक बच्चे के ऊपर घर चलता, दूसरा बच्चा जो सो ऑटो चलाता, मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है शुक्रिया अदा करती हूँ कि दोनों को अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहादे मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग लोगों की बेल कराए, इंशाअल्लाह ताला हम और उन्होंने ये बोल रहे हैं कि रवि कुमार साहब मैं मारा नहीं बोले, और बच्चों की ज़बानी है कि मारे बोल के,
बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत टॉर्चर करे हम लोगों को अंदर मैडम, वो लोग बोल के बोले हैं। और उन्होंने मेरे को और एक एक बात ये बोले है कि मैडम आपको रेस्पेक्ट दे के बात करो। बोले मैं भी कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं रेस्पेक्ट दे के बात करना चाह रहे हैं बोले तो, क्या मुझे गाली दे के बात करते थे क्या इनो? जो मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, अभी तक जो सो आप ना सस्पेंड करें ना उनको यहाँ से हटाए रवि कुमार साहब से, ऐसा क्या है? एरिया के अंदर पूरे लोग बोल रहे हैं कि शराब के दुकानों के लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ रात दिन जो सो जुबे चल रहे, और तकरीबन जो सो जो पहले देखिए आप दीवार गिरे जब भी हमारे को इनो अंदर बैठ के जो भी जो सो बात करे, जब भी जो सो मांडोली करे उनको, मैं जब भी बोली साहब बच्चा मर रहा वहाँ पर दवाखाने में फसलियाँ टूटे बोलते, उन्होंने एक भी नहीं सुन के अपनी जो मनमानी करे उन्होंने जब भी। और हम लोग जो है सो लड़के झगड़ के उनको 1.5 लाख रुपये वो बच्चे को भी दिला है, लेकिन ये रवैया उनका गलत है। और एक एक भी जो है सो कब्रस्तान के उसमें शाबान की ईद के जब भी यही उनका रवैया था, यानी कि पूरी मुस्लिम दुश्मनी आजमा रहे उन्होंने, हम ये नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह ताला। हम भी असद भाई से बात करेंगे साहब क्या राय मशवरा देते करेंगे, लेकिन मैं कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं प्रेजेंट कॉर्पोरेटर रह के मेरे को प्रेजेंट कॉर्पोरेटर को ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मैं रेस्पेक्ट देके बात करो, तो आगे आवाम के साथ उन्होंने क्या रवैया आजमाते देखिए आप। मेरे को खुद बोल रहे हैं कॉर्पोरेटर को रेस्पेक्ट देके बात करो, तो मेरे ये समझ में नहीं आया क्या मेरे को गाली देके बात करना चाह रहे थे क्या उन्होंने? मैं इनका ये दे रही हूँ कि मैं रवि कुमार साहब पर मैं भी केस बुक कराऊँगी इंशाल्लाह ताला, मेरे को जो साहब बोलेंगे मैं बराबर वो करूँ। लेकिन मेरा कमिश्नर साहब से ये डिमांड है कि इन्होंने यहाँ से जाना या इनको सस्पेंड करते, नहीं तो आगे जो है हम बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे रवि कुमार साहब के साथ। हम लोग ये करें, अभी हम तो बच्चे रिलीफ होना मिल के सोच लिए थे कि बच्चे बाहर आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा कर, अभी आए कमिश्नर साहब के हाथ में है या हम बच्चों को लेकर जाके नाके पे धरना देना या जो सो सीधा इनको यहाँ से हटाते, हम ये दो सवाल कर रहे हैं। ये सवाल के अंदर हमको जो है सो कमिश्नर साहब का जवाब चाहिए। एक हफ्ता हो गया आज तक जो है सो कमिश्नर साहब आके कोई जवाब नहीं दिए। अगर ऐसी हुकूमत चलेंगी मुस्लिम दुश्मनी आजमाएंगे तो फिर मुस्लिम एरिया में इनको डाले क्यों? आप दूसरे एरिया में डालना था, आप मुस्लिम एरिया में डाल के हमारा को जो है सो हमारे बच्चों का तमाशा बना रहे, हर 4 दिन में एक बार बच्चों का तमाशा बनता है। आज तो हद ही हो गई कि गैर ज़रूरी के तमाशा करें उन्होंने, कोई सेक्शन ने मान लीजिए झगड़े पे बच्ची के, वो बच्ची कौन थी क्या है, ये बच्चे रस्ते से जा रहे थे मारना मारे मारे बाद में ये केसेस बुक डाले, आज एक हफ्ते के बाद बच्चे बाहर आए, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और हमारे नकीब मिलत भारत से असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इंशाल्लाह हम भी आगे जो साहब बोलेंगे हम बराबर वो करेंगे। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BIPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 040-2970-1124. An Institute of Success Schools.